So, how to stay motivated during the preparation of SSP? So, इसके लिए भगवान आएंगे बाहर से मोटिवेट करने के लिए, है ना। एक टांग पे खड़े हो जाओ, ऐसे हाथ करो और प्रार्थना करो, है ना, और 108 बार माला जपो। अरे मोटिवेशन के लिए कोई चूर्ण नहीं आता, मोटिवेट खुद को करना पड़ता है ना यार। मैं बोलता हूँ लोगों को, बाहर देखो यार, यू गिव अप सो इजीली ना, पीपल गिव अप सो इजीली। लोग रैश रेकलेस ड्राइविंग करते हैं, शराब पीकर के ड्राइविंग करते हैं, जानवर के पैर के ऊपर से गाड़ी निकाल देते हैं, दोनों टांगे टूट जाती है जानवर की, बट उसके बाद में भी 6 साल 8 साल 10 साल गजीबता है वो जानवर अपने आप को, लेफ्ट राइट दिन में 10 जगह जाता है, अपनी रोटी का जुगाड़ करके लेकर के आता है। बिल्कुल सर, ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं तो जानवर उसको भी लाके खिला, दे डोंट गिव अप। एक एग्जाम्पल, सर मुझे डिप्रेशन आ रहा है, सर मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं किसी काम का नहीं रहा। कर लो यार, कोई क्रांति आ रही है आपके ऐसे करने से, इतने कमजोर हो आप, खुद साबित कर रहे हो, बाहर से कोई नहीं आएगा शीतल मोटिवेट करने के लिए, खुद को मोटिवेट नहीं करना पड़ता है। एंड द बेस्ट वे इज टू डू ऑटो सजेशन। सुबह जब खड़े होते हो, खुद अपने आप को बताओ कि यार 24 घंटे हैं, सबके पास उतना ही है। अब एक एलसीसी का आज आया है, ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, दुनिया भर के कॉल आए हैं कल मेरे पास में, सर बर्बाद होगी लाइफ, सर कुछ नहीं बचा, मैं किसी काम का नहीं रहा, मैं क्या हो गया? सर एनसीसी की कंडीशन चेंज होगी, मैंने अप्लाई किया था सर, बट 60% कर दिया अभी। सर व्हाट टू डू नाउ, सर मेरा क्या होगा? मैं कुछ नहीं होगा तुम्हारा, मैं तुम्हें बहुत पहले से बोल रहा हूँ, डोंट ओवर रिलाय ऑन एनसीसी। तुम जाओगे, मैं तुम्हारे लिए इंटरव्यू डिफिकल्ट करूंगा, बिकॉज यू नो एनीथिंग विच कम्स ईजी वे ना इज ऑलवेज चीप। यस, आपने तैयारी कभी नहीं करी एग्जाम की, बिकॉज आप इसी भरोसे में बैठे हो, एनसीसी के थ्रू जाऊंगा, टेक्निकल एंट्री के थ्रू जाऊंगा, टेक्निकल एंट्री एंड एनसीसी। एग्जाम की तरफ आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्यों? क्योंकि उसमें जोर लगेगा, उतनी मेहनत आप करना नहीं चाहते, एंड दिस इज हार्श फैक्ट एंड यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। तो कोई बात नहीं, मैं डोंट वेट फॉर द वर्स्ट टू हैपन, नाउ द वर्स्ट हैज हैपन, अब आप करोगे एग्जाम की तैयारी। इसमें भी दो तरह की लॉबिंग है, एक वो लोग हैं जो है ना शोक सभा अरेंज करेंगे कि हमारे साथ बहुत अत्याचार हो गया, हम चलो भैया इसके लिए आवाज उठाते हैं, अब क्या करें, एंड यू कीप ब्लडी वेस्टिंग योर टाइम, नो वन हैज टाइम टू यू नो फील पिटी फॉर सच कैंडिडेट्स। और दो लोग ऐसे होंगे जिनको बात समझ में आएगी, बोलो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, तो कर लेनी चाहिए मेहनत, और वो बैठेगा आज से तैयारी करने के लिए, यार अब मैं एग्जाम में पूरा जोर लगाऊंगा। उसमें भी एक होंगे जो कट ऑफ के हिसाब से काम करेंगे, और दूसरे बोलेंगे नहीं भाई जी जान लगा दूंगा, कट ऑफ नहीं, वे कट ऑफ तो मैं तय करूंगा, मैं ऊपर वाले ब्रैकेट में आना है, मेरे को जोर लगाना है। 6 months यार, 6 महीने आपके पास में, 6 महीने में कौन आदमी हिंदुस्तान का कितने 40% वाला हो वो भी एग्जाम क्लियर कर सकता है अगर मेहनत करे तो, ठीक है, नथिंग कम्स ईजी फॉर फ्री। 6 महीने है, मेहनत करके देखो, गजब का नशा आएगा, है ना। और जब आप मेहनत करके एग्जाम क्लियर करोगे ना, तो एक अलग से जुनून आएगा कि यार मैंने बहुत मेहनत करी है, और मेरे को SSB में बहुत अच्छा कर रहा है। पहले क्या किसी को दो लाइन भी बोलनी नहीं आ रही, जनरल अवेयरनेस भी जीरो, सर वो NCC की एंट्री में जा रहा हूँ सर, सर वो CDS करना है, मेरे पास बहुत कॉल आते हैं, मैं एडमिशन नहीं देता, तो है ना। ये भी एक बहुत बड़ा फर्क मैं महसूस करता हूँ, जो मेरे काम करने का तरीका है, अगर भीड़ इकट्ठी करनी हो तो मैं 1000 आदमी इकट्ठे कर लूँगा, चलो भैया दौलत कमानी शुरू करो। मैं उनको बताता हूँ, मैं बेटा प्रेजेंटली यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है, मैं अगर मैं आपको एडमिशन देता हूँ तो एक चीज़ तो है ना, मैं अपने आपको गलत प्रूव करता हूँ, ये बात तो पक्की है, मैं गिल्ट में काम करूँगा, नतीजा तो मुझे अभी क्लियर दिख रहा है। आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोटिवेट यू, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, बिफोर यू कम एंड टेक एडमिशन, एटलीस्ट वर्क अपॉन योरसेल्फ एंड डेवलप दोज सॉफ्ट स्किल्स। घर पे बैठ के काम करो, इसमें टाइम लगेगा, रोज डिक्शनरी उठाओ, कुछ नए वर्ड ढूंढो, कुछ ये प्रोनाउंसिएशन ठीक करो, सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है। अभी अगर मैं एडमिशन दूंगा तो 3 चीज़ें पक्का हैं, आपके माँ बाप का मेहनत से कमाया हुआ पैसा, आपका समय और मेरी मेहनत, तीनों चीज़ें विल गो फॉर अ जंप, तीनों चीज़ें पक्का बर्बाद होंगी। At the end of the day, only thing you will have a credit and my fees to my account. That's it. And I don't want this fees. मैं try करके देख ले, हिंदुस्तान की किसी भी academy में उत्तर को बोलेगा अब भी आओ, हम बनाएंगे आपको ऑफिसर, कुछ नहीं बनेगा बेटा, बिकॉज आपने तैयारी नहीं करी, आप मेहनत कर ही नहीं रहे हो। मैं पहले मेहनत कर और फिर मेरे पास में आ जाए। एक लड़का है जिसने बोला सर आई वॉन्ट टू कम टू यू, है ना, मेरा ये वो करके मैं उसको छोड़ दे, मुझे बता मेहनत क्या कर रहा है। He told me कि सर मैं 500 out of 500 marks लेके आऊँगा सर, डील तो लेकर क्या, डोंट वरी अबाउट द फीस, तेरे को स्पॉन्सर करूंगा मैं, ठीक है। मैंने उसको बोला था 460 से ऊपर लेकर के आ जा, देन आल्सो आई एम हैप्पी दैट ही बर्गर हैड स्कोर्ड 500 out of 500, केप्ट हिज प्रॉमिस, आई डोंट सी ए रीजन टू से नो टू दिस गाय, इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और लेकर क्या है, उसने प्रूव किया, नाउ आई विल ट्रेन हिम। अब ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने मॉक टेस्ट दिए, माई स्टूडेंट ओनली एंड दे टॉप इन इंडिया, है ना, जितने मॉक टेस्ट है उसके अंदर टॉप कर रहे हैं रिटर्न के अंदर। अब वो कह रहे हैं सर मेरे को अलग अलग एडमिशन वाले फोन कर रहे हैं कि आपको हम है ना पेमेंट देंगे, आप एक इंटरव्यू दे दीजिए, आप हमारे को एक फोटो खिंचवा लीजिए, योर चॉइस, व्हाटएवर यू वांट टू। बोला नहीं सर मैंने सबको पॉज कर दिया, मैं कहीं नहीं जा रही, आई एम गुड, ठीक है।
डोंट डू दैट थिंग. सो ये गलत चीजें हैं जो दिमाग में बिठा करके बैठे हैं ना. अभी एनसीसी है, हो गया हो गया, एक्सेप्ट द रियलिटी, मेहनत करनी शुरू कर दो रादर देन वेस्टिंग योर टाइम एंड कंडोलेंस. डोंट डिक्लेयर योर सेल्फ दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, दिस जस्ट द बिगनिंग. समटाइम वी लर्न थिंग्स हार्ड वे इन लाइफ. पीपल शुड टेक दिस एज अ वेकअप कॉल कि भैया कोई बात नहीं. मैं भी एनसीसी में था बट आई वॉज नेवर डिपेंडेंट ऑन एनसीसी. ठीक है, मैं एनसीसी के भरोसे था ही नहीं कभी भी. एनसीसी में अच्छी चीजें सीखनी थी, वो सीखी, प्रूव करना था किया, बट एग्जाम क्लियर करके एग्जाम के थ्रू गया. जब एग्जाम के थ्रू आप जाते हो कैंडिडेट और एनसीसी का आता है, मैं एनसीसी वाले से 20 सवाल पूछूंगा करंट अफेयर्स के, जनरल अवेयरनेस के, नहीं जवाब देगा इट शोकेस मैंने पोर लाइट. दूसरा कैंडिडेट आया जो एग्जाम क्लियर करके गया, मेरे साथ हुआ था, उसने 10 सवाल पूछे, मुझे 6 नहीं आते थे जनरल अवेयरनेस के. आई सेड आई डोंट नो सर, आई डोंट नो. बट अब मैंने लुक बैक तो मुझे लगता है शायद उसने देखा होगा, चलो कोई बात नहीं यार, एकेडमिक्स की प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ही हैज ऑलरेडी प्रूव्ड हिज वर्थ. अगला मेहनती है, एग्जाम क्लियर करके आया, बिल्कुल है ना, नहीं पढ़ा इसे खुद कह रहा है कि सर मैंने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं. बट एक्सेप्टेंस लेवल थोड़ा सा मेरे लिए ठीक ही हुआ एज कम्पेयर टू दैट गाय हु स्ट्रेट वे वॉकिंग अप एंड नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द जनरल अवेयरनेस ऑल्सो. यस सर. तू चलता जा.